सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञान दृष्टिमाशिता विवेकानंद मार्गेण वयम् सर्वे समर्पिताः। मैं सिर्फ दूध ही लूंगा। अरे नाश्ता नहीं करना, सिर्फ दूध से क्या होगा? मैं मैच के बाद कैंटीन में नाश्ता कर लूंगा। आपको तो पता है ना, मैच के पहले ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अरे हाँ, आज तुम्हारी मैच ही है ना। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू नानू। आप आ रहे हो ना मेरा मैच देखने? नहीं बेटा, आज तुम्हारी मम्मी को है ना बैंक लेके जाना है। बैंक मैनेजर से मैंने समझ लिया है ना, तुम्हारी मम्मी की जॉब के लिए बात करनी है। कोई बात नहीं नानू, आपके विशेष तो मेरे साथ ही है ना, आज तो मेरी टीम ही जीतेगी। वेरी गुड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू नाना जी। बस बस, बाय नानू, बाय मम्मी। अरे बेटा दूध तो फिनिश करते जाओ। नहीं मम्मी, मैं लेट हो रहा हूं। बेटा तुमने एक महीने के बाद का ज्वाइनिंग क्यों मांगा? इसी महीने ज्वाइन कर लेती। पता नहीं पापा, एकदम से वही दिमाग में आया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या क्या हुआ पापा? पापा क्या हुआ, बोलिए ना पापा, क्या हुआ? गोल रोकने के लिए जंप करने और अनबैलेंस्ड होकर गिरने की वजह से गर्दन में गहरी चोट लग गई। गर्दन के नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। मैं आपको झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता, मगर अब कोई मिराकल ही उसे बेड से उठा सकता है। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। अगर किसी मिरेकल से हमारा सात्विक ठीक होना लिखा होगा ना बेटी, तो जरूर होगा। बस हमें अपना विश्वास कमजोर नहीं होने देना है। हिम्मत रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। शांत। तकलीफ कब कहाँ आपका हाथ थाम ले कुछ कहा नहीं जा सकता। एक उछलने कूदने वाली जिंदगी अब हिलने तक के लिए बेबस थी। फुटबॉल पर डिगी सात्विक की आंखों ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अब एक हॉस्पिटल के कमरे में खुलना है। मम्मी, सात्विक, मम्मी ये मुझे क्या हो गया? मेरे हाथ पर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। प्लीज मेरी मदद कीजिए। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हिम्मत रखो। कैसे ठीक होगा नाना जी, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। अब मेरा सपना कैसे पूरा होगा? मुझे बड़ा फुटबॉलर बनना है।
फुटबॉल की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई और तुम्हें अभी भी उसी की पड़ी है। मैं फुटबॉल का नाम भी नहीं सुनना चाहती हूं। एक्सक्यूज मी मैम, डॉक्टर सर ने आपको बुलाया है, आइए। मत बोलो बेटा कि तुम एक स्पोर्ट्समैन हो। स्पोर्ट्समैन इतनी आसानी से हार नहीं मानते। बस मम्मी बस। मैम ये कुछ दवाइयाँ लिख के दी गई हैं, इसे प्लीज मंगवा लीजिए। ठीक। सुनिए मैं जरा दवाई लेकर आती हूँ, आप तब तक थोड़ा देख लेंगी? ऑफ कोर्स मैं देख लूंगी, आप जाइए। हेलो। हाँ एक मिनट वासु, तुम उसका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी। शायद अब मैं कभी फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा। फुटबॉल तो क्या, अब मैं कभी खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। शिट यार, फिर मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम भारी देखते रहते हो। सामने ग्राउंड है, सबको खेलता देखता रहता हूँ, टाइम पास हो जाता है। तुम्हें भी स्पोर्ट्स पसंद है? हाँ कुछ गेम्स, पर ये फुटबॉल है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है, कुछ समझ ही नहीं आता। इससे अच्छा तो अपना क्रिकेट है। ग्राउंड पर फुटबॉल का मैच चल रहा है? मैच तो नहीं, पर हाँ शायद प्रैक्टिस चल रही है। यस यस, अब लगता है गोल कर ही देगा। यस यस यस, कर दिया गोल। ये लंबा लड़का ना बहुत ही स्मार्ट है, लगता है अपने टीम का स्टार प्लेयर है। अब क्या हो रहा है? सब उसे आकर लिपट चुके हैं, बहुत शोर भी मचा रहे हैं। बेचारा दब ही गया होगा। फुटबॉल में प्लेयर्स ऐसे ही सेलिब्रेट करते। तुम मुझे बताते रहना कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है, पर जब मम्मी ना हो। ठीक है। सारी रात भर तुम यहीं बैठे हुए हो बेटा, कुछ देर घर क्यों नहीं होके आते? मैं हूं ना यहाँ। लेकिन साथी को कुछ जरूरत हुई तो? नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम घर हो आओ। जाओ जाओ। सबके ये रिपोर्ट चाहिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मैंने जो दवाइयां बताई थी आपको वो टाइम से दे रहे हैं ना आप इसे? बिल्कुल दे रहा हूँ डॉक्टर। गुड। इसके जो टेस्ट मैंने बताए थे आपको वो आपने करवा लिए? जी डॉक्टर साहब। गुड। स्मिता जैसे ही इसकी रिपोर्ट आ जाए मेरे कैबिन में ले आना। यस सर। ठीक। बेटा मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आती हूँ। ओके नमस्ते। नानू आपको मेरे कारण सुबह की न्यूज मिस करनी पड़ रही है ना? सॉरी नानू। कोई बात नहीं बेटा, मैं बाद में न्यूज़पेपर में पढ़ लूंगा। पर आपको तो न्यूज टीवी में देखना पसंद है ना? एक आइडिया है, आप कैंटीन में जाकर क्यों नहीं देख लेते? तब तक मैं इतनी दौड़ ले लेता हूँ। हाँ आइडिया तो अच्छा है, पर मुझे कुछ भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं सिस्टर से कहकर आपको बुलवा लूंगा।
नक्के ठीक है मिल जाता हूँ। तो प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई? प्रैक्टिस नहीं पर शायद मैच है। रियली? तब तो बहुत मजा आएगा। अब क्या हो रहा है? टॉस तो हो गया है। हम दोनों टीम के कैप्टन अंपायर से डिस्कशन कर रहे हैं। विनिंग टीम अपनी पसंद की साइड सिलेक्ट कर रही होगी। और फुटबॉल में अंपायर नहीं रेफरी होता है। पर मैं तो इन्हें अंपायर ही कहता हूँ। अरे उसने विसल बजा दी। मैच स्टार्ट। अब टॉस जीतने वाली टीम फुटबॉल को किक करके मैच स्टार्ट कर रही है। टॉस जीतने वाली टीम नहीं, टॉस हारने वाली टीम का प्लेयर फुटबॉल को किक करके गेम स्टार्ट करता है, इसे कहते हैं किक ऑफ। अब क्या हो रहा है? क्या होगा? बस पार्सिंग ने पार्सल चल रहा है। कभी बॉल इसके पास, कभी बॉल उसके पास। हाँ, बॉल पे पोजीशन बनाए रखना भी एक स्ट्रेटेजी होता है। यस यस, तोड़ दी उसने सब स्ट्रेटेजी। यस, बॉल आगे लेके जा, आगे लेके जा। कम ऑन, तू स्टार प्लेयर है, कम ऑन, लेके जा आगे, गोल कर दे। यस यस, ओ शिट। यस, गोलकीपर ने रोक दिया ना तेरे स्टार प्लेयर का गोल। हाँ यार, मतलब तू अपोजिशन टीम में है। पर ऐसे कोई जंप करता है क्या? बॉल जब नेट की तरफ आती हुई दिखाई देती है ना, तो गोलकीपर बॉल के अलावा सब कुछ भूल जाता है। उसे बस एक बात याद रहती है कि किसी भी तरह बॉल को रोकना है। अब क्या हो रहा है? अब तेरी टीम वाले मेरी टीम वाले के गोल के पास जा रहे हैं। ओ, गोल मत करना, मत करना। अरे शिट यार। यस, गोल हो गया ना? हाँ, गोल तो हो गया, पर तेरी टीम वाले मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? और रेफरी से बात क्या कर रहे हैं? ओ, रेफरी ने ऑफसाइड दे दिया होगा। ऑफसाइड क्रिकेट में तो सुना था, पर फुटबॉल में भी ऑफसाइड होता है। जब बॉल रिसीव करने वाले प्लेयर और गोल के बीच ओपोनेंट्स का कोई प्लेयर नहीं होता ना, तो उसे ऑफसाइड दे दिया जाता है और ऐसे गोल को गोल नहीं माना जाता। सच में? तब हम बराबरी में हैं। गुड। जिंदगी ने सात्विक को फुटबॉल से दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वासु की वजह से वो किसी ना किसी तरह फुटबॉल से जुड़ी गया, जिसकी वजह से उसका ध्यान अपने शारीरिक दुख पर ना होकर वासु द्वारा बताए जा रहे खेल पर रहने लगा था, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि किसी भी दुख से उबरने के लिए उससे ध्यान हटाना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें सूप पसंद नहीं है ना, पर डॉक्टर ने अभी लिक्विड ही खाने को कहा है। आपने इतना प्यार से बनाया तो मुझे पसंद क्यों नहीं आएगा? बेटा, मम्मी कहीं गई है क्या? वो आंटी, मम्मी थोड़ा बाहर गई हैं। वैसे तुम्हें क्या हुआ है बेटा? मुझे ना कभी कभार चक्कर आते हैं, पर अब मैं ठीक हूँ, एक दो दिन में डिस्चार्ज हो जाऊंगा। दूध पियोगे बेटा? एक काम करती हूँ, मैं तुम दोनों के लिए दूध लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी। तो तुम दो तीन दिन में चले जाओगे, फिर मुझे फुटबॉल मैच के बारे में कौन बताएगा? तो तुम मेरे बेड पर आ जाना और खुद देख लेना। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, यहाँ मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, बैठना तो दूर की बात, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अब बता रहा हूँ ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सात्विक, तू गुस्सा मत हो यार। सात्विक सुन ना, क्या पता मैं कल ही चला जाऊं। सात्विक नाराज मत हो। सात्विक, सात्विक सात्विक गुस्सा मत कर। सात्विक, सात्विक सुन ना, शायद मैं कल ही चला जाऊं, बात तो कर ले यार। सात्विक, सात्विक सुन ना यार, सात्विक
सात्विक नाराज मत हो यार, सात्विक क्या है सिस्टर? कौन? वो सामने वाला बच्चा? हाँ पता नहीं, शायद डिस्चार्ज हो गया हो, मैं तो अभी आई हूँ। क्या वो चला गया? क्या हुआ बेटा? वो मुझसे मिले बिना ही चला गया। अरे बेटा, हम लोग सो रहे थे ना, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नानू। हाँ बेटा। क्या आप मुझे उस बेड पे शिफ्ट करवा दोगे प्लीज? पर क्यों बेटा? कम से कम बाहर की आवाज सुन के मेरा मन तो लगा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ। बेटा कुछ सुनाई नहीं देता। क्या सुनाई नहीं देता? नहीं मम्मी, वो बाहर लगी टीवी से कुछ सुना नहीं देता। ओ टीवी? तुम बोर हो जाते हो ना, हम प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं मम्मी, यही ठीक है। मिस्टर दीक्षित। नमस्ते। मिस्टर दीक्षित, अमेरिका से स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं सात्विक का केस उनके साथ डिस्कस करूं। जी अच्छा होगा अगर आप लोग भी उस डिस्कशन में शामिल। हाँ क्यों नहीं, चलिए चलिए आओ बेटा। सात्विक, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम ठीक हो रहे बेटा, तुम जरूर ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। हैं? शाबाश। हिम्मत रखो, हिम्मत। शाबाश। क्या बात है बेटा, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, बहुत उदास लग रहे हो। नाना जी, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन वासु ने कहा था कि सामने ग्राउंड है जहाँ लोग फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। मैंने उसे अपना दोस्त समझा था, लेकिन इतने दिनों से वो मुझे बेवकूफ बना रहा था, इसलिए तो वो मुझसे मिले बिना ही चला गया। कौन? मुझे उस बेड पर था, उसे तो ब्लड कैंसर था, कल रात ही उसकी डेथ हो गई थी, और उसकी मम्मी कल रात ही बॉडी लेकर चली गई। मुझे भी अभी पता चला है।
तो तुम 2-3 दिन में चले जाओगे, फिर मुझे फुटबॉल मैच के बारे में कौन बताएगा? तो तुम मेरे बेड पर आ जाना और खुद देख लेना। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, यहाँ मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, बैठना तो दूर की बात, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो अब बता रहा हूँ ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सात्विक तू गुस्सा मत हो यार, सात्विक नाराज मत हो, सात्विक सात्विक सुन ना, शायद मैं कल ही चला जाऊं, बात तो कर ले यार, सात्विक सात्विक सुन ना यार, सात्विक। मैंने अनजाने में उसे क्या क्या कह दिया, मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया सात्विक, बल्कि तुम्हें फिर से खड़ा करने के लिए एक आशाओं का खेल रचा। तुम कहीं हार कर लड़ना ना छोड़ दो, इसलिए उसने तुम्हें वही दिखाया जो तुम देखना चाहते थे। पर उसने तो वो जानता था कि फुटबॉल तुम्हारी ताकत भी है और कमजोरी भी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसकी आशाओं को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखो। हाँ नाना जी, मैं वासु से वादा करता हूँ कि मैं जल्दी फिर से फुटबॉल खेलूंगा, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, वासु के लिए भी। शाबाश। एक बुझता हुआ दिया दूसरे दिए को रोशन कर गया। यदि आप अपने जीवन में आशावादी हैं, तो आपके लिए सब कुछ संभव है, लेकिन यदि आप जल्दी निराश हो जाते हैं, तो आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका लक्ष्य आपसे दूर होता चला जाता है। तो जरूरत है आपको अपनी आशाओं को जिंदा रखने की, तभी आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।